الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين محترم भाइयों बुजुर्गों आयत करीमा जो मैंने आपके सामने तिलावत की है ये हमें बहुत बड़ी बशारत सुनाती है और इसमें कामयाबी की सिफत बयान फरमा दी गई है। कामयाबी की शर्तें इसमें जिक्र फरमा दी गई हैं कि इंसान दुनिया और आखिरत में कैसे कामयाब हो सकता है। कामयाब हर शख्स होना चाहता है लेकिन कामयाबी का मेयार हर शख्स अपने एतबार से चुनता है कि कामयाबी किसको कहते हैं। कोई आदमी मालो दौलत को कामयाबी समझता है, कोई घर बार और अहलोयाल को कामयाबी समझता है, कोई इज्जत को कामयाबी समझता है, कोई सेहत को कामयाबी समझता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमारा खालिक है और मालिक है उसने कामयाबी किसको करार दिया ये हमें कुरान से मालूम होगा। इस आयत में भी अल्लाह तबारक व ताला ने कामयाबी का तरीका बताया है, कामयाबी का रास्ता हमें दिखाया है। कुरान शरीफ और रहनुमाई फरमाता है, वो इंसान की रहबरी करता है कि ये रास्ता है जो तुम्हें मंजिल तक पहुंचा सकता है। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया इन्नहाज़ा कुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम, कि ये कुरान उस राह को दिखाता है जो बिल्कुल सीधी है, जो मंजिल तक बगैर किसी पेचोखम के आपको पहुंचा देगी, वो रास्ता कुरान मजीद दिखाता है। इसलिए कुरान मजीद से हमें रहनुमाई हासिल करना चाहिए, कुरान मजीद से रास्ता मालूम करना चाहिए। तो अल्लाह तबारक व ताला का इरशाद है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, कि वो लोग जिन्होंने ये कहा कि हमारा रब अल्लाह है, ये कौल है जो ईमान की बुनियाद है। हमारा रब अल्लाह है, रब्बुनल्लाह, जिन्होंने ये कह दिया, इस लफ्ज के अंदर कितनी जान है, कितनी ताकत है, कितनी हक्कानियत है, कितनी सच्चाई है, कि इससे बढ़कर दुनिया की कोई सच्चाई नहीं, इससे बढ़कर दुनिया में कोई हकीकत नहीं।
एक इंसान की जबान से जो लफ्ज भी निकलेगा उसमें सोचना पड़ सकता है कि ये सच है या गलत झूठ है। लेकिन ये लफ्ज ऐसा है कि जिसमें बगैर किसी छू चिरा के कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं, इसको तस्लीम करना हर शख्स की जिम्मेदारी है और हर शख्स के लिए ये तय करना बड़ा आसान भी है। रब्बुना अल्लाह, हमारा रब अल्लाह है, हमारा पालनहार अल्लाह है, हमारा राजिक और मालिक अल्लाह है, हमें सेहत देने वाला अल्लाह है। जब हमारा रब अल्लाह है तो हम सर भी इसी के सामने झुकाएंगे, जब हमारा राजिक अल्लाह है तो हम शुक्र भी उसी का अदा करेंगे, जब मुसीबत में काम आने वाला अल्लाह है तो परेशानियों में हम उसी को अपना मलजा और मावा समझेंगे, उसी से उम्मीद रखेंगे, उसी से डरेंगे, उसी से लो लगाएंगे, उसी के सामने हाथ फैलाएंगे, उसी के सामने झोली फैलाएंगे। रब्बुन अल्लाह का ये सब मतलब है कि हमारा रब अल्लाह है। अब हम परेशान भी नहीं होंगे क्योंकि हमारा रब अल्लाह है, राजिक अल्लाह है, मालिक अल्लाह है, उसने हमें पैदा किया है तो पालना भी उसकी जिम्मेदारी है, रिज्क भी उसने अपने जिम्मे लिया है। लिहाजा अब हम इबादत भी किसी की नहीं करेंगे, हम उम्मीद भी किसी से नहीं रखेंगे, डरेंगे भी नहीं किसी से। कितनी ताकत पैदा हो जाती है इस जुमले से, अगर कोई इंसान दिल की सच्चाई से ये कह दे रब्बुनल्लाह तो फिर वो बिल्कुल मुतमईन हो जाएगा, वो निडर हो जाएगा, क्योंकि उसने अल्लाह तबारक व तआला के हवाले कर दिए अपने तमाम उमूर, अल्लाह तआला को उसने मान लिया। अब वो मांगेगा तो अल्लाह तबारक व तआला से मांगेगा, वो डरेगा तो अल्लाह तबारक व तआला से डरेगा, उसकी पेशानी उसी के सामने झुकेगी। तो जिन्होंने ये कहा रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तकामु, फिर उस पर कायम रहे, ये बात अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, फिर उस पर कायम रहे, यानी कह देना तो आसान है लेकिन कायम रहना मुश्किल है। फिर ये आला मर्तबे के लिए कि ये सबसे ज्यादा अहम बात है इस्तेकामत, कह करके फिर मुकर जाना ये मुनाफिकों का शेबा है, ये चालबाजों मक्कारों का तरीका है, ये झूठों का रास्ता है। लेकिन मोमिन को कहकर उस पर अमल करना है, उस पर कायम रहना है, इस्तिकामत इख्तियार करना है। फिर उन्होंने इस्तिकामत इख्तियार की, रब्बुनल्लाह कह दिया तो उससे मसला हल नहीं हो जाएगा बल्कि अब आजमाया भी जाएगा कि तुमने अल्लाह को अपना रब माना है तो तुम सच्चे हो या झूठे। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है अहसिबा الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون, क्या ये समझ लिया है लोगों ने कि इस पर छोड़ दिया जाएगा कि हम ईमान ले आए, وهم لا يفتنون, और उनको आजमाया नहीं जाएगा। ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين, हमने पहले वाले लोगों को भी आजमाया था जो तुमसे पहले कौमें गुजरी हैं, उन्होंने भी जब ईमान का दावा किया तो हमने उनको आजमाया, अल्लाह ताला जरूर आजमाएगा और देखेगा कि कौन सच्चे हैं और कौन झूठे हैं। तो उसमें इस्तिकामत इख्तियार करना है, मुख्तलिफ जिंदगी के मोड़ आएंगे उसमें इस्तिकामत इख्तियार करना है, कभी सेहत होगी कभी बीमारी होगी, कभी अमन होगा कभी खौफ होगा, उस वक्त भी इस्तिकामत इख्तियार करना है जब डर हो, और जब अमन हो तब भी इस्तिकामत इख्तियार करना है, कभी अमीरी होगी कभी गरीबी होगी, कभी इज्जत मिलेगी कभी जिल्लत का भी सामना करना पड़ेगा, कभी तुम्हें इसके खातिर सताया भी जाएगा तो इस्तिकामत इख्तियार करना है, ईमान की खातिर सताया जाएगा तो इस्तिकामत इख्तियार करना है, ईमान के लिए आजमाया जाएगा तो इस्तिकामत इख्तियार करना है, नफ्स अपनी रगबतें दिखाएगा कुछ तरगीब देगा
तो तुम्हें नफ्स की तरगीब में नहीं आना है, उस वक्त भी इस्तिकामत इख्तियार करना है। ये मतलब है, जमना है ईमानी कौल पर, अल्लाह ताला के ऊपर ईमान पर कायम रहना है नफ्स के मुकाबले में, शैतान के मुकाबले में, अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली आजमाइशों में, लोगों की तरफ से होने वाले इम्तिहानात और अजाबात और उनकी तरफ से जो परेशानियां और अजियतें पहुंचाई जाएंगी, उसमें इस्तिकामत इख्तियार करना है। सहाबाए किराम ने इस पर अमल करके दिखाया कि इस्तिकामत किसको कहते हैं। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है फिर उस पर कायम रहे। इसकी मिसाल ढूंढना हो तो बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हमें देखना चाहिए कि ये इस्तिकामत होती कि उनको उनको गर्म तपती हुई रेत पर पीठ के बल लिटाया जा रहा है, और रेगिस्तान अरब की तपती हुई रेत के नीचे से आग निकल रही है, ऊपर आसमान से शरारे बरस रहे हैं, वहां तपती हुई रेत पर और चट्टान पर उनको लिटाया गया, ऊपर से बड़ा पत्थर और चट्टान रख दी गई, और कहा जा रहा है कि तुम जब तक ईमान से नहीं फिर जाओगे तो तुम्हें इसी तरीके से सताया जाता रहेगा। उमैया बिन खलफ जो उनका आका है, वो गुलाम है, वो उनको सता रहा है और ईमान से फिरने के लिए मजबूर कर रहा है, लेकिन वो उस मौके पर कह रहे हैं अहद अहद, हमारा रब अल्लाह है, वही एक अल्लाह है, उसके अलावा किसी को नहीं मानेंगे, तुम कुछ भी कर लो हम जान दे देंगे, लेकिन अल्लाह के अलावा दूसरे को नहीं मानेंगे, दूसरे को खुदा नहीं मानेंगे, उसी के दीन पर अमल करेंगे, उसी के झंडे को हम दुनिया में उठाएंगे, यही हमारा मिशन है, यही हमारे जुमले हैं, यही मेरी जबान से निकलेगा, ये है इस्तिकामत। हमारा रब अल्लाह है फिर उस पर कायम रहे। इस्तिकामत अगर देखना है तो अम्मार बिन यासिर और उनके वालिद यासिर और उनकी वालदा सुमैया के जो गुलाम है, पूरा खानदान गुलाम है, और जिनको बनु मखजूम सता रहे हैं, हर तरीके से सता रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल कायम है, इस्तिकामत के पहाड़ बने हुए हैं। पहाड़ अपनी जगह से हट सकता है लेकिन सहाबाए किराम अपनी जगह से नहीं टले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसल्ली दे रहे, सब्रन या आले यासिर फइन मौइदकुमुल जन्ना, सब्र करो ए आले यासिर, क्योंकि तुम्हारा वादा अल्लाह ताला ने जन्नत का तुमसे कर रखा है। अगर हमें इस्तिकामत सीखना है तो खब्बाब इब्नुल अरद से सीखना है कि उनको चेका जा रहा है गर्म लोहे से, आग में तपाए हुए लोहे से उनको जलाया जा रहा है, और धमकी दी जा रही है कि फिर जाओ, उनके जिस्म से चर्बी निकल रही है, लेकिन वो उस वक्त भी कह रहे हैं कि हम दीन को नहीं छोड़ सकते। ऐसे मौके पर भी जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर ये हाल जिक्र किया कि हमारे साथ ये हो रहा है, ईमान की वजह से हमें ऐसा सताया जा रहा है और ऐसा परेशान किया जा रहा है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बस इतने में तुम डर गए, इतने में तुम लरस गए, इतने में शिकवा और शिकायत जबान पर आ गया, आपने इसको भी इस्तिकामत के खिलाफ समझा, और फरमाया कि तुमसे पहले वाले लोगों के साथ तो ये होता था कि उनको आरे से चीर दिया जाता था, उनके सर पर यूज़ुल मिनशार, उनके सर पर आरा रखा जाता और दो टुकड़े कर दिए जाते थे, और लोहे के कंघों से उनका गोश्त निकाल दिया जाता था। ऐसे ऐसे पहले की उम्मतों में ऐसे 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 वाकयात हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली दी कि अल्लाह ताला इस दीन को गालिब करेगा, तुम जल्दी करते हो, जल्दी करने की जरूरत नहीं, इस्तिकामत इख्तियार करना, इस दीन के खातिर कुर्बानियां दी गई हैं। सहाबा इकराम ने कुर्बानियां दी, अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने कुर्बानियां दी, सिद्दीकीन ने कुर्बानियां दी। अस्हाबुल उखदूद का वाकया कुरान शरीफ में नकल किया गया, ईमान ही बड़ा सबसे बड़ा जुर्म है दुनिया वालों की नजर में, जब ईमान ले आए तो अब इस जुर्म पर सजा मिलेगी, लेकिन इस्तिकामत इख्तियार करना है। उनको खुतिला अस्हाबुल उखदूद, अल्लाह ताला फरमाया सत्यानाश हो उन अलाव जलाने वालों का के जिन्होंने मोमिनों को सताने के लिए, कुतिला अस्हाबुल उखदूद अन्नार ज़ातिल वकूद अल्लज़ीना हुम अला मा यफ़अलून बिल मुमिनीन शुहूद, के जो
देख रहे हैं मोमिनों को जलता हुआ झुलसता हुआ और मजे ले रहे हैं। अल्लाह ताला ने कहा है कि इनको आखिरत में जब जहन्नम की आग जलाएगी जब पता चलेगा तो अलाव जलाया जाता और उसमें गिरा दिया जाता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में ऐसा वाकया बयान फरमाया कि एक बादशाह ने ईमान लाने के जुर्म में पूरी कौम को जला दिया, आग का अलाव जलाया और कहा कि जो ईमान से नहीं फिरेगा वो इस आग में गिर जाए। तो अहले ईमान ने आग को कबूल कर लिया लेकिन ईमान से नहीं फिरे। ये इस्तिकामत होती है, इसी पर फिर ईमान की लज्जत अल्लाह ताला की तरफ से मिलती है, ईमान की हलावत मिलती है। जैसा कि हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलासुन मन कुन्ना फीही वजदा बिहिन्ना हलावत अल ईमान, कि तीन चीजें जिसके अंदर होंगी तो उसको ईमान की हलावत नसीब हो जाएगी, ईमान की चाशनी वो पालेगा, ईमान की लज्जत मिल जाएगी। मन कान अल्लाह व रसूलु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, कि अल्लाह और उसका रसूल उसके नजदीक सबसे ज्यादा महबूब बन जाए, पूरी दुनिया से ज्यादा, पानी से ज्यादा, हवा से ज्यादा, हर चीज से ज्यादा, दोस्त अहबाब से ज्यादा, बच्चों और वालदेन से ज्यादा अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत हो। और अगर किसी इंसान से भी मोहब्बत हो तो अपनी जात के लिए ना हो बल्कि अल्लाह की रजा के लिए हो, अल्लाह के ताल्लुक से लोगों से भी ताल्लुक हो, दूसरी बात यह है। और आग में कूद जाना उसको गवारा हो लेकिन दीन छोड़ना उसको बिल्कुल मंजूर ना हो, कि हम आग में गिर सकते हैं लेकिन दीन नहीं छोड़ सकते। तो अल्लाह ताला ने ऐसी कौम की मिसाल भी अल्लाह ताला ने हमारे सामने जाहिर फरमा दी है कि अहले ईमान सब आग में गिर गए लेकिन ईमान का सौदा नहीं किया। एक औरत, उसकी गोद में बच्चा था, उसको कुछ हिचकिचाहट हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में वही वाकया सुनाया है कि सब गिर गए, एक औरत कुछ तरद्दुद करने लगी, कुछ तामुल करने लगी, तो बच्चे को अल्लाह ताला ने गोयाई दी और कहा कि अम्मा जान क्या देख रही हो, कूद जाओ, ये इंशाल्लाह थोड़ी देर की आग जन्नत में तब्दील हो जाएगी, फिर राहत ही राहत है अल्लाह की तरफ से। तो वो अपने बच्चे की तरफ से जो अल्लाह ताला की तरफ से गोयाई अता हुई थी उसकी आवाज को अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से समझकर वो भी गिर गई। इस आग के खातिर इब्राहिम खलीलुल्लाह को आग में डाला गया, आग में डाला गया और वो इसके खातिर आग को उन्होंने कबूल कर लिया। और हस्बी अल्लाह व निअमल वकील हदीस शरीफ में है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहि सलातो सलाम को आग में डाला जा रहा था तो उनकी जबान पर यह जुमला था कि मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है, वही मेरा कारसाज। इन الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا, फिर इस्तिकामत इख्तियार की। ये मिसालें सिर्फ एक कौम में नहीं है बल्कि आपको ये मिसालें पुराने जमाने भी मिलेंगी, सहाबा इकराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन के यहाँ भी मिलेंगी और ताबईन के यहाँ भी मिलेंगी, बाद के औलिया के यहाँ भी ये मिसालें आपको मिलेंगी। एक बुजुर्ग हैं जिनको खलील सानी कहा जाता है, इब्राहिम हाजिल उम्मा, इस उम्मत का इब्राहिम उनको कहा जाता है। उनके साथ क्या हुआ ईमान के जुर्म में, उनका नाम है अबू मुस्लिम, अब्दुल्लाह इब्न सौद अबू मुस्लिम खौलानी रजी अल्लाह रहमतुल्लाहि अलैह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मौजूद थे यमन में लेकिन आपका दीदार नहीं किया इन्होंने, अबू मुस्लिम खौलानी ने, इसलिए ताबईन में शुमार होते हैं। ईमान ले आए थे, वहां से मदीना मुनव्वरा नहीं तशरीफ लाए, हाजिर नहीं हुए, इसलिए सहाबियत का शरफ हासिल नहीं हुआ, ताबईन है। अस्वद अनसी कज़्ज़ाब, उसने नबूवत का दावा किया था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी वो मुद्दई नबूवत हो चुका था, उसने यमन में उसने अपनी नबूवत का तख्त खड़ा कर दिया था और लोगों को दावत की जा रही थी। इनको भी बुलाया गया और कहा कि तुम इस बात की गवाही देते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, उन्होंने कहा बिल्कुल मैं इस बात की गवाही देता हूँ। फिर कहा कि तुम इस बात की गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तो उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं सुन पा रहा हूँ। फिर उसने बार बार यही जुमला दोहराया, उन्होंने कहा अबू मुस्लिम खौलानी ने कि मैं कुछ नहीं सुन रहा हूं, आखिर में आग में डाल दिया गया। और अल्लाह ताला ने उनको भी वैसे ही बचाया, तारीख की किताबों में लिखा है कि जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बचाया था अल्लाह ताला ने उनको बचाया। लोग देख के लोग दंग रह गए और फिर आखिर में मशवरा दिया
कि अब इस आदमी का यहां रहना तुम्हारी नबूवत के लिए खतरा है, इसका वाकया ऐसा पेश आ चुका है, इसलिए इसको यहां से रवाना कर दिया जाए। फिर उन्होंने आपको छोड़ दिया, अबू मुस्लिम खौलानी को, और मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए। उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत थी, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को यह किस्सा पहुंच चुका था, नमाज पढ़ रहे थे। तो नमाज के बाद मुलाकात की कि तुम कहां के हो, कि हम यमन के। कहने लगे कि एक शख्स के साथ ऐसा हुआ है कि उनको आग में डाला गया, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ किया गया था, और अल्लाह ताला ने उनके साथ भी वही मामला फरमाया। तो कहा हाँ, वो अबू मुस्लिम खौलानी है, अब्दुल्ला बिन सऊद है, उनके साथ ऐसा हुआ है। तो कहा कि मैं अल्लाह की कसम देकर तुमसे पूछता हूँ, तुम ही वो हो? तो कहा कि जब अल्लाह की कसम दे दी है, अल्लाह का वास्ता दे दिया है, तो फिर बताना पड़ेगा मुझे कि मैं ही वो हूँ कि जिसके साथ ये किया गया है। फिर आप हजरत सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दरबार में लाए, कहा कि अल्लाह का शुक्र है जिसने हमारी आंखें ठंडी की ऐसे शख्स के दीदार से के जिनके साथ वही किया गया जो इब्राहिम खलील के साथ किया गया। तो सुम्मा सकामु का ये मतलब है कि कुछ भी हो हमें इस्तिकामत इख्तियार करना है। अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह इस्तिकामत के लिए हमारे लिए मिसाल है, नमूना है, आइम्मा किराम में बात के हैं, ये न ताबेईन है बल्कि शायद तबे ताबेईन भी नहीं है, उसके बाद के दौर के हैं हजरत अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह। तो सिर्फ एक ईमानी मसले में कि वो ये नहीं कह रहे थे कि कुरान अल्लाह का कलाम ये मखलूक है। उस वक्त हुकूमत ने ये अकीदा इख्तियार किया कि मखलूक कहा जाए कुरान को। तो उन्होंने कहा कि कुरान अल्लाह का कलाम है, ये जो मुसहफ शरीफ में ये नहीं, बल्कि जो कुरान के अल्फाज हैं वो अल्लाह का कलाम है। अल्लाह का कलाम अल्लाह की सिफत है, तो अल्लाह ताला की सिफत अल्लाह ताला से मुताल्लिक है, हम उसको मखलूक नहीं कह सकते, हम कलामुल्लाह कहेंगे, जो कुरान ने कहा है वो हम कहेंगे। तुम कोई हदीस पेश कर दो, कोई कुरान की आयत पेश कर दो, तो हम तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार है। हुकूमत के लोग उनको मजबूर करते थे, उनको कैद किया गया, और उनको इसी पादाश में, इसी जुर्म में उनके ऐसे कोड़े मारे गए, सिर्फ एक जल्लाद सिर्फ दो कोड़े मारता ताकि ताजा दम होकर हर शख्स मारता रहे। और कहा जाता है कि अगर वो किसी हाथी के भी वो कोड़ा पड़ता तो वो भी चिंघार मारता, लेकिन उन्होंने उस कौल से इन्हराफ नहीं किया कि हम वही कहेंगे जो कुरान मजीद में कहा गया है कि कुरान अल्लाह का कलाम है। तुम कोई कुरान की आयत पेश करो, कोई हदीस पेश करो, तो हम मानने के लिए तैयार हैं, हम ईमान के खिलाफ कोई बात नहीं कह सकते, कुरान के खिलाफ कोई बात नहीं कह सकते। अली इब्ने मदीनी कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इस दीन को दो लोगों से इज्जत बख्शी है, एक तो जब इर्तिदाद का जमाना हुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, तो सिद्दीक अकबर से अल्लाह ताला ने सुरखरुई अता फरमाई थी अहले ईमान को कि पहाड़ की तरह से जम गए, और उन्होंने कहा कि जो जकात नहीं देगा तो हम उससे भी लड़ेंगे, अगर एक रस्सी का टुकड़ा भी देता था और अब देने से इनकार करेगा हम उससे भी लड़ेंगे। और उसामा का लश्कर जाएगा जैसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवाना किया था, हम उसको भेजेंगे, अल्लाह के रसूल के हुक्म को हम रद्द नहीं कर सकते, जैसा दीन है वैसा ही हम रखेंगे, हम दीन में कमी को गवारा नहीं कर सकते। ये सिद्दीक अकबर की इस्तिकामत थी। तो अल्लाह ताला ने फितना इर्तिदाद के जमाने में सिद्दीक अकबर से सुरखरुई अता फरमाई, और जब ये खल्क कुरान का मसला आया तो अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के जरिए से अल्लाह ताला ने अहले ईमान को सरफराजी अता फरमाई, उनका सर ऊंचा कर दिया, एक मिसाल कायम कर दी। लेकिन उन्होंने ईमान से और ईमानी अकीदे से उन्होंने दस्तबरदारी इख्तियार नहीं की, एक इंच भी उसमें आगे पीछे नहीं हुए। इस्तिकामत कई मौकों पर होती है, इस्तिकामत कभी डर के मौके पर इस्तिकामत जाहिर होती है कि डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और कभी लालच के मौके पर भी इस्तिकामत जाहिर होती है, लालच दी जा रही है। दुनिया में आप हर जमाने में ये चीजें देखेंगे, आज भी ये सब होता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है ईमान के लिए, ईमान छोड़ दो, ईमान की चीजें छोड़ दो, आपकी मुकद्दसात छोड़ दो, कुरान छोड़ दो, और शिर्क कबूल कर लो। हर तरीके से अलग अलग अंदाज बदल करके ये बात कही जाती है, आज भी ये बात कही जा रही है, कभी लालच देकर हमको बहलाया फुसलाया जाएगा,
लेकिन उस वक्त भी इस्तिकामत इख्तियार करना है। अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने दोनों मौकों पर इस्तिकामत का नमूना पेश किया। फिर बाद में एक खलीफा आया जब उनके बाद का, तो जब उन्होंने अहमद बिन हम्बल की इज्जत को अपने दिल में महसूस किया और उनकी कदर की और वो इनकी तरफ माइल हुआ, तो उन्होंने इनका इकराम किया, इनको इनको सोने की अशरफियां पेश की गई, लेकिन वो उसको रद्द कर देते थे और कहा जाता है, वो कहते हैं कि मेरे लिए ये कोड़े सहना और कोड़े में इस्तिकामत इख्तियार करना और उस वक्त कायम रहना ये आसान था, लेकिन जब मेरे पास तोड़े भेजे गए उस वक्त मेरे लिए इस्तिकामत इख्तियार करना बड़ी बात थी। तो लालच के मौके पर भी आदमी इस्तिकामत इख्तियार करे। इस्तिकामत का बहुत आला मतलब है, इस्तिकामत ही है इंसान के लिए कामयाबी की शर्त अव्वलीन, यही आदमी फेल हो जाता है। अल्लाह ताला ने इसी को बार बार फरमाया, एक जगह अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल लजीना कालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तकामू फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है फिर कायम रहे, उन पर कोई खौफ नहीं होगा और कोई रंज नहीं करेंगे। कुरान मजीद में एक आयत है जो सूरह हूद में है, सूरह हूद के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे सूरह हूद ने बूढ़ा कर दिया, शैयबतनी हूद। सूरह हूद में बहुत सारी बातें हैं जिनकी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर असर पड़ा और आपने ये फरमाया कि सूरह हूद और इस जैसी सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया। एक साहब ने ख्वाब में देखा, किसी बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा, ख्वाब की वो हैसियत नहीं होती है लेकिन एक समझने के लिए ये बात जिक्र की जा रही है। ख्वाब में देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखना बरहक होता है, हालांकि वो दर्जा नहीं होता है जो हुजूर ने बेदारी के आलम में जो बात फरमाई उसका वो दर्जा नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने देखा है उनके लिए वो बात यकीनी के दर्जे में होगी। तो उन्होंने पूछा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आपने फरमाया कि सूरह हूद ने मुझे बूढ़ा कर दिया है, तो आखिर कौन सी चीज ने बूढ़ा कर दिया? तो वो फरमाया ये आयत, फस्तकिम कमा उमिरता वमन ताबा मअका वला ततगौ, कि तुम इस्तिकामत इख्तियार करो ए नबी, तुम और तुम्हारे साथी सब राह इस्तिकामत इख्तियार करो और इससे सरे मुंह इन्हिराफ ना करो, हद से तजावुज ना करो, कमी ज्यादती ना करो, बिल्कुल सीधे रहो, न टेढ़े बनो और न आगे बढ़ो न पीछे हटो, बिल्कुल कायम रहो रहे रास्ते पर, सिरात मुस्तकीम पर कायम रहो। तो ये आयत मेरे लिए बड़ी मुश्किल हुई। कहा जाता है कि पुल सिरात पर आखिरत में गुजरेंगे, लेकिन दुनिया में सिरात मुस्तकीम पर कायम रहना, इस्तिकामत इख्तियार करना पुल सिरात से गुजरने से ज्यादा मुश्किल है। जो दुनिया में इस्तिकामत इख्तियार करेंगे वही पुल सिरात से आसानी से गुजर जाएंगे। दुनिया की जिंदगी वो एक जैसी नहीं रहती है, दुनिया की जिंदगी में रंग बिरंगे और मुतनव्वे किस्म के हालात पेश आते हैं, बस उन्हीं हालात में आदमी बंदा बस अल्लाह के हुक्म पर कायम रहे, इस ईमान को ना छोड़े और ईमान के तकाजे को ना छोड़े। सिर्फ ईमान लाया ये कह देना आसान है, लेकिन फिर उसके बाद अल्लाह की तरफ से जो फराइज आयद होंगे, जो फराइज आयद होंगे, जो आपके जिस्म के ताल्लुक से, माल के ताल्लुक से, अहलोयाल के ताल्लुक से, उन पर अमल करना है, यह है इस्तिकामत इख्तियार करना। नमाज कायम करना यह है इस्तिकामत, रोजा रखना यह है इस्तिकामत, माल की ज़कात अदा करना, हराम कामों से बचना। इन्नल्लज़ीन क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस पर कायम रहे मरते दम तक। यह है मरते, कभी कभी ऐसा होता है इंसान बड़ी तरक्की करता है, शुरू में बड़ी तरक्की करता है लेकिन बस कोई नजर बद लग जाती है और कोई भी एक चीज ऐसी पेश आती है, कभी डर, कभी रगबत, कभी लालच, कभी शैतानी धोखा, कभी नफ्स का धोखा, बस वो भेग जाता है, बस इस्तिकामत खत्म हो जाती है, इस्तिकामत नहीं रहती है। इस्तिकामत सबसे बड़ी, आपने देखा होगा बाज लोगों को कि एक हाल तारी होता है, कभी उन पर हाल तारी हुआ तो नवाफिल पर नवाफिल पढ़ने लगेंगे और कभी हाल तारी होगा तो फराइज भी छोड़ देंगे, कभी हाल तारी होगा तो खूब खर्च करेंगे, कभी हाल तारी होगा तो ज़कात भी नहीं देंगे। तो ये सब क्या चीज है? इस्तिकामत के खिलाफ है। हमें इस्तिकामत इख्तियार करना है, हमें इतना अमल करना है नवाफिल में जितना हो सके, फराइज की पाबंदी पूरी करना है, उसमें कोई इख्तियार नहीं है, लेकिन नवाफिल में जितना
अपन से हो सकता है इतना इख्तियार करें लेकिन दाइमी तौर पर इख्तियार करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा पसंदीदा वो काम था जिस पर आदमी कायम रहे, दायम रहे। ये नहीं कि कभी तो रात भर जाग रहा है और कभी तो रकात भी नहीं पढ़ रहा है, फर्ज भी छोड़ दे रहा है। तो इस्तिकामत सबसे ज्यादा मुश्किल चीज है। सुम्मस्तकामू, फिर उन्होंने इस्तिकामत इख्तियार की तो अब उनको क्या मिलेगा? फरमाया था तनज्जलु अलैहिमुल मलाइका, फरिश्ते उनके ऊपर उतरेंगे, फरिश्ते उनके ऊपर उतरेंगे जो ईमान लाए और इस्तिकामत इख्तियार की, अल्लाह ताला के अहकाम पर कायम और दायम रहे, हर हाल में कायम और दायम रहे, कोई भी हालत हो अल्लाह की तरफ से खुद हालत के एतबार से छूट मिल जाती है। मिसाल के तौर पर आप सेहत में हैं तो आप खड़े होकर नमाज पढ़ लीजिए, लेकिन आप बीमार हैं तो आप बैठकर नमाज पढ़ लीजिए, नहीं खड़े हो सकते तो लेटकर पढ़ लीजिए। अल्लाह ने खुद रुख्सत दी है कि आप दीन को क्यों छोड़ते हैं। अगर आप पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते, तयम्मुम की अल्लाह ताला ने रुख्सत रखी है दीन के अंदर। आप मुसाफिर हैं, अल्लाह ताला ने आधी नमाज माफ कर दी है। तो इस्तिकामत भी कोई ऐसी चीज नहीं है जो इंसान की ताकत से बाहर है, बल्कि अल्लाह ताला ने उस हालत के मुताबिक दीन को बनाया है। दीन में ऐसी कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन आसान है, लेकिन बस आदमी बहुत सारे लोगों को ऐसा कहते हुए सुना है कि सफर में कैसे नमाज पढ़ेंगे, कोई नहीं पढ़ता है। तो ये जुमला ईमानी नहीं है। क्यों नहीं पढ़ेंगे? सफर में भी पढ़ेंगे, भीड़ में भी पढ़ेंगे, बाजार में भी पढ़ेंगे, घर में भी पढ़ेंगे, गरीब होंगे तब भी पढ़ेंगे, अमीर होंगे। बहुत सारे लोग गरीब होते हैं तो मस्जिद में आते हैं, अमीर बनते ही मस्जिद से चले जाते हैं। कुछ लोग इसके बरक्स होता है कि खुशहाल होते हैं तो ठीक रहते हैं, और जहां फकर फाके में मुब्तला हुआ फिर वो गायब हो गए। हर तरह का नमूना है, लेकिन अहले इस्तिकामत वो हर हाल में, अगर अमीर है तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, गरीब है में तो साबिर और साबित रहेंगे। अल्लाह ताला के हर हाल में हमारे ऊपर फराइज हैं कि अगर आप खुशहाली में हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। हदीस शरीफ में फरमाया अजबन बि अम्रिल मुमिन, मोमिन का मामला ही निराला है, अजीब है। इन असाबहु दर्रा सबर, अगर मुसीबत पेश आती है तो सब्र करता है, ये भी उसके लिए बेहतर होता है। और अगर खुशहाली होती है, कोई खुशी की बात पेश आती है, मसर्रत तो शादमानी आती है, कोई तरक्की होती है तो शुक्र अदा करता है अल्लाह तबारक व तआला का, चिट भी उसकी और पुट भी उसकी। मोमिन के लिए कोई चीज नहीं है। अगर आप डर की हालत में हैं तो ये मत समझिए अब क्या होगा, ये भी आपके लिए है, अन भी आपके लिए, अल्लाह ताला देख रहा है। कभी अल्लाह ताला तसल्ली देता है, कभी तरक्की के लिए हालात पैदा कर देता है अल्लाह तबारक व तआला। बहुत सारे लोग हालात से घबरा जाते हैं कि अब हालात ऐसे आ गए अब क्या है, बल्कि अब तो ईमानी इस्तिकामत का और जुरात का और हिम्मत का इम्तिहान है हमारे लिए। इस मौके पर हमको एक हिम्मत से काम लेना चाहिए और यह समझना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये जमाना अल्लाह ताला ने मुकद्दर फरमाया है कि जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई दीन पर अमल करेगा तो तुम में से 50 का सवाब उसको मिलेगा, क्योंकि वो ऐसे हालात होंगे कि दीन पर कायम रहना वो आपको अंगारे को अपने हाथ में लेने के मुरादिफ होगा। तो ऐसे मौके पर इस्तिकामत इख्तियार करेगा तो अजर भी वैसे ही बढ़ जाएगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना इज़ामल जज़ाइ मा इज़ामिल बला, के अजर सवाब उसी कदर मिलता है जितनी आजमाइश होती है। परेशानी किसी को है और एक आदमी आसानी से अमल कर रहा है तो वो समझता है कि ये तो बड़ी आसानी में है, मैं परेशानी में हूं। ऐसा क्यों सोचते हो? अल्लाह ताला ने आपके लिए ये तय किया है ताकि दर्जे बढ़ाए जाए। हदीस शरीफ में आता है कि बाज लोगों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से दर्जे मुकर्रर होते हैं, आला दर्जे, और वो अपने अमल से उस दर्जे तक नहीं पहुंच सकता तो अल्लाह ताला मुख्तलिफ हालात में उसको मुब्तला फरमा कर उस दर्जे तक पहुंचा देता है। हमें इस्तिकामत इख्तियार करना हर हाल में, कोई भी हालत हो तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जिन्होंने इस्तिकामत इख्तियार की तो फिर फरिश्ते उतरते हैं उनको, तनज्जलु अलैहिमुल मलाइका। मुफस्सिरीन इकराम ने फरमाया कि मौत तक कायम रहा तो मौत के वक्त फरिश्ते उतरते हैं। क्या कहते हैं? अल्लाह तखाफु वला तहजनु, कि अब कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई गम करने की जरूरत नहीं है। अब तक तुमने ईमान पर कायम रहने का सबूत दे दिया,
अब आगे मौत का वक्त ऐसा है कि जिस वक्त अब डर और खौफ की हालत होती है तो फरिश्ते कहते हैं ना डरो, अल्लाह खाफ वला तहसन, वो अब शुरू बिल जन्ना, और जन्नत की बिशारत सुनो। खौफ किसको कहते हैं? आगे के लिए डरना। और रंज किसको कहते हैं? पीछे जो चीज हो चुकी है उस पर रंज करना, जो पुराने जमाने में हो चुका है। क्या जो हो गया वो हो गया, कोई भी दौलत तुम्हारी छिन गई कोई रंज ना करो, जो चीज छूट रही है उस पर रंज ना करो, आगे क्या होने वाला है सब अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसान कर देगा। इसलिए कि तुम ईमान लाए, ईमान पर कायम रहे, तुमने अल्लाह ताला के इम्तिहान में तुमने साबित कदमी दिखाई, तो अब बस तुम्हारा इम्तिहान पूरा हो गया, अब तुम्हारे लिए नतीजा है, अब तुम्हारे लिए इनाम इनाम है। अल्लाह तखाफु वला तहजनु, डरो नहीं गम ना करो, वो अबशिरु बिल जन्नति लती कुंतुम तुआदून, और बशारत कबूल करो उस जन्नत की जिसका तुमसे वादा किया जाता था। नहनु औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा, हम तुम्हारे दोस्त हैं दुनिया में भी और आखिरत में भी। एक मुफस्सिर अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं कि ये मौत के लिए खुसूसी नहीं है, कुरान में मौत का जिक्र नहीं है कि मौत के वक्त फरिश्ते उतरते हैं, बल्कि जो इस्तिकामत और अजीमत का सबूत देते हैं तो फिर जो भी ऐसा मौका होता है उस वक्त फरिश्ते उनको तसल्ली देते हैं, दिखते नहीं है, फरिश्ते दिल में इल्का कर देते हैं। अहले ईमान, जब ईमान इंसान इख्तियार करता है, इस्तिकामत इख्तियार करता है, तो अल्लाह की तरफ से तसल्ली दी जाती है। कुरान में युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिल क़ौलि अस्साबित फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा, कि अल्लाह ताला अहले ईमान को साबित बात से दुनिया में भी साबित रखता है, आखिरत में भी साबित रखता है। जो लोग सच्चे होते हैं तो फिर जब कभी ऐसा मौका होता है तो फिर अल्लाह ताला खुद तसल्ली देता है, फरिश्ते उनके दिल में अच्छी बातें इल्का करते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, इस वक्त कायम हो। नहनु औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा, हम तुम्हारे दुनिया में भी दोस्त हैं, अल्लाह दोस्त हो जाता है, अल्लाह के फरिश्ते दोस्त हो जाते हैं। अला इन्ना औलिया अल्लाह जो अल्लाह के दोस्त हैं वही है अहले ईमान अहले इस्तिकामत। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि वो मन अहसनु कौलम मिम्मन दा, इसके बाद जो आयत है कि उससे अच्छी किसकी बात होगी जो अल्लाह की तरफ बुलाए, वामिला सालिहा, नेक अमल करे और ये कहे कि मैं मुसलमानों में से हूँ, ये अल्लाह का वली है, ये अल्लाह का मुंतखब है, ये अल्लाह का चुनीदा बंदा है। तो जो ईमान लाए, इस्तिकामत इख्तियार करे और फिर क्या दावत का काम करे, वमन अहसनु कौलम मिम्मन दा इल्लाह, इसके बाद आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ये तो अपने लिए हूँ ईमान और इस्तिकामत, लेकिन ईमान ये सिर्फ अपने लिए नहीं है, बल्कि अब ईमान जब कबूल कर लिया तो ईमान की दावत है ना, ये भी जरूरी है, और ये भी अल्लाह का प्यारा बनने के लिए, अल्लाह का वली बनने के लिए, अल्लाह का चहीता बनने के लिए, ईमान के साथ और इस्तिकामत के साथ तीसरी चीज दावत है, अल्लाह की तरफ बुलाना, अल्लाह की अल्लाह के दर से जो भटक गए हैं, जो रास्ता भटक गए हैं, अगर किसी का कोई गुम हो जाए फिर अगर वो आदमी उसके गुमशुदा इंसान को बेटे को अगर वो उसके सामने हाजिर कर दे तो वो किस कदर एहसानमंद होता है। अल्लाह ताला तो गनी है, कोई भटके या कोई रास्ते पर रहे अल्लाह को जरूरत नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला को बंदों से इतना प्यार है कि हदीस शरीफ में आता है जब बंदा भटका हुआ होता है और फिर तौबा करके अल्लाह के दरबार में पलटता है तो अल्लाह ताला उससे भी ज्यादा खुश होते हैं कि जिसकी सवारी भटक गई थी और वो सवारी गुम हो गई थी, उसी पर खाना पानी था, वो सवारी मिल गई उसको, तो कहता ओहो मेरी सवारी मिल गई, अल्लाह ताला कहता ये मेरा बंदा आ गया मेरे पास, मेरा बंदा आ गया मेरे पास, अल्लाह ताला इतना खुश होता है कि कोई चीज उसको मिल गई, मेरा बंदा जो भटका हुआ था वो आ गया, अल्लाह ताला खुश होता है। तो जब अल्लाह ताला अपने भटके हुए बंदे को पाकर इतना खुश होता है तो अगर कोई उसका जरिया बन जाए कि मैंने अल्लाह ताला का इसको रास्ता दिखा दिया, अल्लाह के दर पर लाने का जरिया बन गया, तो अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे को इनाम से नवाजेगा कि तुमने बहुत बड़ा काम किया। वमन अहसनु कौलम मिम्मन दा इल्लाह, उससे अच्छी किसकी बात होगी। उससे अच्छा कौन किसका होगा कि जो अल्लाह की दावत दे। बात इंसान जबान से कितनी बातें निकलती हैं,
दिन भर हम बातें ही बातें करते रहते हैं। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंसान जो काम करता है उसमें कौल है सबसे ज्यादा, लेकिन ये नहीं समझता है कि ये मेरे खिलाफ किस कदर है। कुरान शरीफ में मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैही रक़ीबुन अतीद, जो बात भी इंसान निकालता है तो फौरन फरिश्ता लिख लेता हाजिर होता है। अब इंसान को सोचना चाहिए कि हम बातें निकाल रहे हैं हमारे खिलाफ है हमारे हक में। अब अल्लाह ताला दावत की बात की जमानत लेता है, सबसे अच्छी बात दावत की बात, और कोई बात आप निकाले हो सकता है हलाकत का सबब बन जाए। जैसा कि हदीस शरीफ में आता है कि इंसान अपनी जबान से एक बात निकाल देता है और एहसास भी नहीं होता, अल्लाह ताला उससे नाराज हो जाता है हमेशा हमेशा के लिए, और कभी कभी ऐसी बात निकाल देता है अल्लाह ताला हमेशा हमेशा के लिए खुश हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने दावत की बात की जमानत दी है, सबसे अच्छी बात जो इंसान अपनी जबान से अदा कर सकता है वो दावत की बात है। बस इंसान अपने लिए ये तजवीज कर ले, ये इंतखाब कर ले कि हम इंशाल्लाह अपनी जबान से जो निकालेंगे वो लोगों की नफे की बात होगी, वो लोगों को अल्लाह का रास्ता दिखाने वाली बात होगी। हमारी जबान से कोई ऐसा जुमला नहीं निकलेगा कि जो लोगों की गुमराही का सबब बन जाए, बल्कि लोगों को राह रास्त पर कायम, भटके हुए लोग हमारी बातों से वो सीधे रास्ते पर आएंगे, जिनके पांव डगमगा रहे हैं उनके पांव जम जाएंगे हमारी बातों से। ऐसा इंसान को बनाना चाहिए अपने आप को, मोमिन को, जो इस्तेकामत इख्तियार करे उसको फिर दावत के मैदान में आकर और दावत का नमूना बनना चाहिए कि लोग उसकी बात से उसके अमल से वो अल्लाह ताला को पहचान ले, अल्लाह ताला की मारिफत इख्तियार करें। ومن احسن قولا ممن دعا الى الله, उससे अच्छी किसकी बात होगी जो अल्लाह की तरफ बुलाए, और सिर्फ दावत देना काफी नहीं बल्कि वह عامل صالحا, और नेक अमल करे। ज्यादा से ज्यादा दाई के लिए दावत देना आसान होता है, लेकिन अमल से उसका सच्चा करना ये मुश्किल होता है। लोग कौल से कम मुतासर होते हैं, बात से कम मुतासर होते हैं, बातें बहुत अच्छी कर देते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन जिंदगी में खुद उल्टा अमल होता है। लोग कहते हैं कि इनकी जिंदगी में अमल ही नहीं है तो असर भी नहीं लेते हैं। तो इसलिए अगर हमें दावत का काम करना है, दावत की बातें करना है, तो फिर अपनी जिंदगी को बिल्कुल शरीयत के मुताबिक रखना होगी हर एतबार से, हराम कामों से बचना पड़ेगा और फराइज की पाबंदी करना पड़ेगी, हुकूकुल्लाह भी अदा करने होंगे, हुकूकुल इबाद भी अदा करने होंगे, मामलात बिल्कुल साफ रखने होंगे, अपने दामन पर कोई धब्बा नहीं होना चाहिए, कोई दाग नहीं रहना चाहिए, उंगलियां नहीं उठे कि दावत का काम करते हैं और अमल तो इनका अच्छा नहीं है। दावत की बात करे वो अमीला सालिहा नेक अमल करे, وقال انني من المسلمين, और ये कहे कि मैं मुसलमानों में से हूं। मुसलमानों में से ये कहे, इसका एक मतलब तो ये है कि फख्र हो ईमान पर, ईमान सबसे बड़ा सरमाया है, ईमान सबसे बड़ी फख्र की चीज है। लोग मुख्तलिफ चीजों को फख्र करते हैं, मेरे ये है मेरे वो है, कुछ नहीं, मेरे पास दीन है, मेरे पास ईमान है, मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह का वली हूं, इन्नी मिनल मुस्लिमीन, इस पर फख्र करें, मैं मुसलमानों में से हूं। हजरत उमर ने फरमाया नहनु कौमुन अअज्जना अल्लाह बिल इस्लाम, कि हम वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने इस्लाम से इज्जत दी है। फमहम तगैन अल इज्जत बगैर अदलना अल्लाह, अगर हम दीन में और ईमान के अलावा अगर इज्जत ढूंढेंगे अल्लाह ताला जलील कर देगा। आज हमने इज्जतें दूसरे रास्तों में ढूंढी है, दूसरी चीजों में ढूंढी है, तो जलील कर दिया अल्लाह ताला ने, दीन में ही इज्जत मिलेगी। तो काला इन्नी मिनल मुस्लिमीन, ये कहे कि मैं मुसलमानों में से हूं, और दूसरा मतलब ये भी है कि जमात और असबियत ये नहीं, इस्लाम इस्लाम सिर्फ इस्लाम ये है हमारा उन्वान, क्या होना चाहिए, मैं मुसलमान में से हूं, मैं शेख सैयद पठान और उस इलाके का रहने वाला और उस निस्बत को इख्तियार करने वाला, ये नहीं। दावत का काम करे तो बस अपना तारुफ क्या कराए, मैं मुसलमानों में से हूं, बस अल्लाह का बंदा हूं, और कोई निस्बत नहीं होना चाहिए, ना इलाकाई निस्बत होना चाहिए, ना खानदानी निस्बत होना चाहिए, ना और कोई जितने ताल्लुकात होते हैं उनसे अपनी पहचान ना कराए। अपनी पहचान किस बात से कराए, मैं मुसलमानों में से, आम मुसलमानों में से हूं। अगर और कोई साइन बोर्ड लगाएंगे हम तो वो अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल नहीं है। जो अल्लाह ताला के यहाँ तारुफ की कौन सी चीज होना चाहिए, इस्लाम दीन ईमान, दावत का काम करे और बस अपने आप को मुस्लिम बताए, तो वो अल्लाह ताला फरमा रहा है वो सबसे अच्छा नमूने का इंसान है, उसकी बात सबसे अच्छी बात है।
और फिर उसका तरीका भी अल्लाह ताला ने आगे इरशाद फरमाया है कि दावत का काम के लिए अल्लाह ताला फरमाता है वला तस्तविल हसनतु वल सय्या, अच्छा अमल और बुरा अमल बराबर नहीं हो सकता, अच्छा सुलूक अच्छे अखलाक और बुरा किरदार दोनों बराबर नहीं हो सकते। इदफा बिल्लती ही अहसन, अगर तो कोई तुम्हारे साथ बुराई करे तो दावत वाले के लिए जरूरी है कि वो अच्छा ही करे, कोई कांटा बिछाए तो तुम फूल बांटो उसके लिए, कोई गाली दे तो तुम दुआएं दो उसके लिए। इदफा बिल्लती ही अहसन, जो बुराई करे उसके साथ अच्छा ही करो, दाई के लिए पूरा इसमें उसूल बता दिया गया, इंतकाम लेना, बराबर का मामला करना, ये दावत की शान नहीं है। कोई कुछ भी करे हमको तो तुम्हारे साथ नेक सुलूक करना है, अल्लाह हुक्म पर अमल करना। इदफा बिल्लती अहसन फइज़ल लदी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलीयुन हमीम, जब बुराई करने वाले के साथ तुम भलाई करोगे तो देखोगे कि जो दुश्मन है वो जिगरी दोस्त बन जाएगा तुम्हारा, तुम्हारा वो तुम्हारा मद्दाह बन जाएगा, तुम्हारे तुम्हारी दावत को कबूल कर लेगा आसानी के साथ। ये दावत का उसूल भी अल्लाह ताला ने बता दिया, अच्छा अच्छा सुलूक करो, लोगों के साथ भलाई करो। अब तुम उसके काम नहीं आए, तुमने उसका दिल दुखाया और फिर दावत देने जाओगे तो वो दावत कबूल नहीं करेगा, बल्कि अच्छा ही का मामला करोगे तो तुम्हारी दावत को कबूल फरमाएगा, दोस्त दुश्मन दोस्त बन जाएंगे। फैज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलीयुन हमीम, और आगे एक बात अल्लाह ताला ने फरमा दी, ये आसान बात नहीं है, कहना आसान है, हुमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीन सबरू, ये बात नसीब नहीं होगी मगर जो हिम्मत वाले लोग हैं, साबिर और साबित कदम रहने वाले लोग हैं। وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ, और ये बात किस्मत वाले ही को मिलेगी, जिसकी किस्मत बहुत आला होगी वही ऐसा ऊंचा किरदार अपना पेश करेगा, ईमान इख्तियार करेगा, इस्तिकामत इख्तियार करेगा, दावत का काम करेगा और बुराई का बदला भलाई से देगा और दुश्मनों को वो दोस्त बनाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल को कायम रखते हुए वो बड़ा खुश नसीब होगा, उसका नसीब चमकेगा। अल्लाह ताला हम लोगों को जो बात कही गई है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए अब हमें इरादे करना है, हम इंशाअल्लाह ताला अपनी ज़िंदगी में ईमान इख्तियार करेंगे, इस्तिकामत इख्तियार करेंगे, दावत का काम अपना काम बनाएंगे और अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करेंगे और दावत के जो तकाजे हैं उसको पूरा करेंगे, ईमान के तकाजों को पूरा करेंगे। इंसान कामयाब हो नहीं सकता, इस्तेमाल पर लाने के लिए ये उरूज है, ये मेहनत है, चलने का, इसके लिए सबसे पहले हमारे गुरु उलमा-ए-किराम जिनके साथ